एक यात्रा ऐसी भी नाहर लगन से ईटानगर, पहाड़ों वादियों के बीच में इस सुंदर सा रास्ता जो शुरू होता है पापुनाला से, द फॉलन रोड। पहाड़ों के बीच में जो सुंदर है, जो सुंदरता है, वो शायद हम प्लेन्स में नहीं पा सकते। लेकिन इंटरेस्टिंगली इट वॉज़ ए वेरी गुड जर्नी, और मैं सबसे अनुरोध करूँगा आप लोग एक दिन ना एक दिन जरूर आइएगा। एंड यस, अगर आपको हिल्स में गाड़ी चलाने की आदत नहीं तो प्लीज़ ब्रिंग ए ड्राइवर विद यू, अदरवाइज आप खुद भी चला के आ सकते हैं, क्योंकि जब आप ईटानगर घुसोगे तो रास्ते काफ़ी ही स्ट्रिप्स हैं। बट एनी हाउ, इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी विद माई फैमिली, मैं, मेरा वाइफ और दो बच्चे, हम घूमने गए एंड इट वॉज वंडरफुल प्लेस। द ब्यूटी ऑफ नेचर जो ईश्वर ने बनाया है, God has made this world a wonderful place to live. तो दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा, हम ईटानगर घुस गए और यह रहा आपका ईटानगर, लेकिन ये ईटानगर मेन टाउन नहीं है, इसे काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, करीबन 5-6 किलोमीटर आगे ही आपका ईटानगर टाउन है। लेकिन मैं आपको ईटानगर टाउन नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि हाउ आर द रोड्स फ्रॉम नाहरलगुन पापुनाला टू ईटानगर। तो गाइज, इट विल बी अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। टेक योर टाइम, आप घूमने आ सकते हैं। बेस्ट इज फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुअरी, सो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि अक्टूबर टू फेब्रुअरी टेक योर टाइम एंड कम एंड यू कैन रोम अबो हियर। एंड यस, मैं वही बताता हूँ कि आप लोकल ड्राइवर्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि लोकल ड्राइवर से आपको गाड़ी चलाने में थोड़ा सुविधा होगी। तो खुद अगर आप चला सकते हो तो दैट्स गुड, बट आप देख सकते हो ऐसे स्ट्रिप है रास्ता, तो रास्ता काफ़ी स्ट्रिप है, काफ़ी खाई में जाना पड़ता है, काफ़ी ऊंचा उठना पड़ता है। सो एनी हाउ, फॉर बाइकर्स इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू मूव ऑन, और यह टाउन के बीच में यह काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होती है यहाँ। हालांकि हम संडे आए थे इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स नहीं था, लेकिन मुझे सबसे पसंद आया द ब्यूटी ऑफ द नेचर। सचमुच क्या अभूतपूर्व बनाया है इस शहर को। ईटानगर इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट गाइज, सो वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी डू कम। आगे मैं ज़रूर आपको ईटानगर टाउन का वीडियोस और ज़रूर वहाँ का रेस्टोरेंट्स का वीडियोस दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन आज फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके रास्ते का ही दिखा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो हम, आप जो नाहरलगुन है वो बंदरदेवा बोलते हैं, बंदरदेवा लखीमपुर क्रॉस करके आप आ सकते हो। अगर आप डिब्रूगढ़ तक फ्लाइट में आते हो तो डिब्रूगढ़ से डायरेक्टली बंदरदेवा आइए, जो धेमाजी और लखीमपुर क्रॉस करके बंदरदेवा आना पड़ता है, बंदरदेवा से आप नाहरलगुन और नाहरलगुन से ईटानगर। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।